इंदिरा गांधी जी ने दो जगहों से जीती इटी में तो उन्हों वो चाहती थी कि राय बरेली किसी फैमिली मेंबर को मिले राज नारायण याद करिए जिन्होंने इंदिरा गांधी को डिसक्वालीफाई करा दिया था केस करके सेवेंटी कर, 1975 में जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी, लगी। राहुल गांधी ने कहा माँ को कि मेरी दादी को मार दिया गया मेरे फादर को मार दिया गया छह महीने में आपको मार दिया जाएगा हिंदू का हिंदुआईज होना क्या भाजपा राजनीति, राजनीति है या उसमें हमें और गहराई से सोचना पड़ेगा मैं कहती हूँ विश्वनाथ प्रताप सिंह के सामने चुनौती अलग थी तो मेरा एक थम रूल था कि जिन्होंने अपना पूरा टर्म खत्म किया है उन प्रधानमंत्रियों को लिया जाए एक जनता लीडर ने जो कहा जिसको मैंने कोट किया है कि जो माइंड संजय गांधी का था हमारी तरफ जनता पार्टी की तरफ कोई भी उनके लिए मैच नहीं था। नमस्कार आप साहित्य तक पर हैं मैं जयप्रकाश पांडे हूं और साहित्य तक स्टूडियो में शब्द रथी कार्यक्रम में आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निर्जा चौधरी जी हाँ बहुत बहुत स्वागत है आपका निर्जा जी जो लोग अंग्रेजी अखबारों को पढ़ते होंगे या अंग्रेज़ी के कॉलम्स पढ़ते होंगे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे या दूसरी पत्र पत्रिकाएँ पढ़ते होंगे उनके लिए जाना पहचाना नाम है हिंदी के पाठकों के लिए मैं बता दूँ हालाँकि आपके कॉलम्स जो है अनुवाद हो के हिंदी के अखबारों में भी छपते रहे हैं निर्जा जी पिछले चार दशकों से अधिक समय से जो भारत की केंद्रीय सत्ता है यानी प्रधानमंत्री कार्यालय उससे लेकर जो रायसीना हिल्स पर सत्ता के जितने भी केंद्र हो सकते हैं और जितने भी बड़े राजनेता हो सकते हैं सभी को निजी तौर पर जानती रही हैं लगातार लिखती रही हैं राजनीतिक संपादक राजनीतिक संवाददाता एक स्तंभकार के रूप में आपकी एक बड़ी पहचान है और हमारे जैसे बहुत सारे लोग राजनीति में आपको लगातार पढ़ते रहे आपकी एक पुस्तक आई है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड सबसे पहले मैं इस पुस्तक के लिए आपको बधाई दूँ यह पुस्तक क्या है कैसे लिखी गई यहीं से शुरू करते हैं निर्जा जी से ही पूछते हैं पहले इन्हीं से बातचीत शुरू करता हूँ ये हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड यह हेडिंग अपने आप में बड़ा मैं कहूँ कि एक अलग तरह की हेडिंग आप इस हेडिंग से और इस पुस्तक से क्या कहना चाहती हैं देखिए जैसे मैं पॉलिटिकल कवरेज करती थी तो मुझे लगता था कि जो बाहर चीज आती है असली यथार्थ स्थिति अंदर वो नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं कैसे निर्णय होते हैं पॉलिटिशियन द्वारा प्रधानमंत्रियों द्वारा क्या पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं असलियत इनर स्टोरी क्या है वो वो कहीं ना कहीं सिटीजन के सामने आनी नागरिक के सामने आनी चाहिए तो मैं काफ़ी समय से मेरे मन में था कि कभी आगे जाके मैं लिखूँगी इसके बारे में और नोट्स मैं बहुत लेती थी जिसको भी मिलती थी फॉर्मल इनफॉर्मल लिखती थी ये पत्रकारिता की एक डिसिप्लिन है कि उठाया पेन और मैं अभी आई आपके पास तो मैंने तुरंत कागज़ <laughs> में तो आ, जैसे एक हैबिट हो जाती है उसकी वजह से मेरे पास काफ़ी नोट्स थे और काफ़ी समय से मैं 2002 3 दो तीन मैंने थोड़, थोड़ा थोड़ा इंटेंसिव काम भी किया था फिर कई कारण हो गए जिसकी वजह से बैकबर्नर पर चला गया तुरंत जो चीज़ें होती हैं वो सामने आई तो 2018 में मैंने अलफ के साथ ये साइन किया और अब मच से जैसे ही मैंने डेविडार को जो हेड करते हैं कंपनी को बात की तो उन्होंने तुरंत मुझे साइन किया तो मैं कई बार ये कहती हूँ ही बिलीव्ड इन दिस बुक मच मोर देन इवन आई डिड मैं अपने दर्शकों को बताऊँ एक जानकारी कि यह पुस्तक इस समय बाजार में उपलब्ध नहीं है यानी इसका एक संस्करण जा चुका है शायद नि निर्जा मैम को इस बात की जानकारी नहीं होगी लेकिन मुझे ये जानकारी इसलिए है क्योंकि मैं इस पुस्तक की दूसरी प्रति मंगाना चाह रहा था तो मुझे रोली बुक्स से जो प्रमोटर है प्रकाश कंपनी के एल की उन्होंने ये कहा कि ये पुस्तक अभी हमारे पास नहीं है हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको कापी भेजी जा सके तो एक लोकप्रिय पुस्तक के लिए ये जो पुस्तक है आपके पूरे चार दशकों के अनुभव का है मैं एक सवाल हालांकि आपने इसकी भूमिका में लिख दिया है मैं चूंकि किताब पढ़ चुका हूं तो बहुत सारी बातें जानता हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके मुंह से दर्शक सुन सकें आपने पंडित नेहरू को छोड़ दिया है इसमें इंदिरा गांधी जी से शुरू किया है शास्त्री जी का उस तरह से उल्लेख नहीं है लेकिन इंदिरा गांधी से पूरी बात शुरू होती है और आपने नरेंद्र मोदी को भी वर्तमान प्रधानमंत्री को भी छोड़ दिया है मैं जानना चाहूँगा कि पंडित नेहरू और नरेंद्र मोदी जी को छोड़ने और बीच में आपने ज़रूर इस बात का भी उल्लेख किया है कि जो लोग कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे या अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे उनका आपने उस रूप में उल्लेख नहीं किया है मैं चाहूँगा कि दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा बताएं कि देखिए चौदह प्रधानमंत्री हो चुके हैं गुलजारी लाल नंदा अगर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को देखा जाए तो पंद्रह अब सबको तो ये क्लियर था नहीं लिया जा सकता है नहीं तो बहुत ही मतलब उसका मतलब नहीं होता डिसीजंस को अगर देखना है तो, तो मेरा एक थम रूल था कि जिन्होंने अपना पूरा टर्म खत्म किया है उन प्रधानमंत्रियों को लिया जाए अब इसमें तीन एक्सेप्शन हुए जो आप बोल रहे हैं नेहरू मतलब जिस जिन्होंने नींव डाली आधुनिक हिंदुस्तान की मतलब जिसको कलॉसिस कहते हैं सारे मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस उनको मैंने छोड़ा इसलिए नहीं कि जैसे मैंने लिखा है कि फैशनेबल हो गया नेहरू को रविश करना पर मेरी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वहाँ से स्टार्ट होती है नेहरू के बाद तो मैंने सोचा मैं नेहरू लूँगी तो मोस्टली कट एंड पेस्ट होगा जॉब फिर मैंने इंक्लूड किया विश्वनाथ प्रताप सिंह को सिर्फ ग्यारह महीने प्रधानमंत्री रहे वो क्यों क्योंकि उनके दौरान हिंदुस्तान की पॉलिटिकल तस्वीर बदल दी फॉर एवर बदल दी उन्होंने जो निर्णय लिए तो उनको इंक्लूड किया जहाँ तक नरेंद्र मोदी का सवाल है मैंने बहुत सीरियसली इसको कंसिडर किया मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया कुछ लिखा भी फिर मुझे लगा कि मैं जस्टिस नहीं करूँगी इस सब्जेक्ट को क्योंकि वो इतने व्यापक तरह से इंडियन कॉन्शियसनेस में हावी हैं और जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में पैराडाइम शिफ्ट इंडियन पॉलिटिक्स किया है उन्होंने तो उनके बारे में पर्याप्त जानकारी जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है उन लोगों द्वारा जो उनको देखते हैं रोज़मर्रा में कैसे निर्णय होते हैं क्या पुल्स एंड प्रेशर्स हैं और मुझे लगा कि जो इनकम्बंट प्रधानमंत्री है जब तक वो पावर में है उसके बारे में खुल के लोग नहीं बात करेंगे और ये सही सब प्रधानमंत्रियों के लिए था जिन लोगों ने मुझसे बात की तब बात की जबकि वो प्रधानमंत्री नहीं रहे थे तो ये नेचुरल चीज़ है तो मुझे लगा कि ये जस्टिस नहीं होगा फिलहाल इसको छोड़ दिया जाए मैं, मैं आप... मैंने एपिलॉग लिखा क्योंकि नरेंद्र मोदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते ऐसी किताब लिख के उसमें बिल्कुल ही नहीं हो तो मैं, <laughs> मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि जितने प्रधानमंत्रियों को के बारे में आपने उल्लेख किया है आ, इंदिरा गांधी जी चौधरी चरण सिंह जी बी पी सिंह जी मोर्रारजी देसाई का भी उल्लेख आपने किया मतलब ये इस पुस्तक को पढ़ते समय भले ही आप कहें कि मैंने केवल उन प्रधानमंत्रियों की बात की है जिन्होंने अपना पूरा टर्म आ, आ, किया है लेकिन आपने हम इसको जब पढ़ते हैं तो इंदिरा गांधी जी से शुरू करते हैं और नरेंद्र मोदी जी पर आके समाप्त करते हैं इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान और उस दौर की कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं है जो इस पुस्तक में दर्ज नहीं है और उस दौरान जो फैसले लिए गए या उस दौरान जो लोग प्रधानमंत्री के निकट थे मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आया इसको पढ़ते हुए दो प्रधानमंत्रियों को आपने कहा है कि ये शुद्ध थे और बाकी सवर्ण प्रधानमंत्री भारत को मिले इसके पीछे आपकी क्या सोच है क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है जो जाट और राजपूत ये सवर्णों में गिनती इनकी होती है तो आपने इनको इस तरह का उल्लेख देखिए शूद्र का जो माना जाता है ना इसमें देवगौडा जो वोकले का कास्ट के हैं और ओबीसी माने जाती है हालांकि इंटरमीडिएट कास्ट है एक्चुअली फार्मिंग कम्युनिटी है लेकिन ओबीसी मानी जाती है तो ये चर्चा होती है क्या नरेंद्र मोदी पहले ओबीसी प्रधानमंत्री हैं या या दूसरे टेक्निकली दूसरे हैं ये और, लेकिन वो कलेगा कास्ट इंटरमीडिएट कास्ट है ओ पी सी मानी जाती है तो दूसरे हैं तो बाकी जो हैं वो अपर कास्ट के रहे हैं चरण सिंह जाट बहुत ही कई जगह अब ओ बी सी है ये भी फिनमिनल है चरण सिंह तो हालांकि भड़कते थे ये कि चाहे मैं जो भी कर लूँ मैं अपर कास्ट नहीं माना जाऊँगा क्योंकि जिस तरह से ट्रीटमेंट होती थी तो कहीं ना कहीं इसका जो मेरा जो निकलता है ना निचोड़ इस किताब से कि पावर डिवॉल्व करता गया है हमारी डेमोक्रेसी में पहले जैसे यूपी में आठ प्रधानमंत्री पांच अलाहाबाद के नेहरू गांधी परिवार का घर डोमिनेंट था उनका रोल उससे फिर और प्रदेशों में ईस्ट से कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट से तो पावर डिवॉल्व करता गया है और उन कम्युनिटीज की तरफ गया है जिन जो पहले हाशे पर पे थे पेरीफ्रीज पे थे जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्होंने एम्पावर किया ओ बी सीज को मंडल ला के उनको रिजर्वेशन दिया जॉब्स में गवर्नमेंट जॉब्स में तो वो कहा करते थे बहुत एक अहम चीज़ कहते थे कि ये चाहते हैं सत्ता में शिरकत टोकनिज़म ने टोकनिज़म तो कई सरकारों ने दिया कि एक को इस बात का ले लिया पर ये अपना हक चाहते हैं तो आज ओबीसी ही नहीं मोस्ट बैकवर्ड जो कि जिनको मोदी और अमित शाह आज सबसे ज़्यादा वो कर रहे हैं मोस्ट बैकवर्ड पसमंदा मुस्लिम्स महादलित जिनका जिक्र दल नितीश कुमार ने किया था ये सब इनकी आवाज़ बुलंद हो रही है उनके नंबर्स बहुत हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमारी फर्स्ट फास्टस्ट पोस्ट सिस्टम है उसमें ये मैटर करते हैं है। मैम तो क्या आपको लगता है कि कैसे कोई एक दिन ऐसा हो सकता है कि जगजीवन राम जो आपने इस किताब में बड़ा रोचक जिक्र किया है और इस किताब में एक तो मैं आपको फिर से बधाई दूंगा जितनी बार इस किताब को पढ़ो बहुत ही मैं अपने दर्शकों को बताऊं एक तो बहुत सरल शब्दों में लिखा है आप कोई ज़रूरी नहीं है कि इस किताब को पढ़ने के लिए आपको अंग्रेज़ी की बहुत अच्छी समझ हो आप अगर अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं तो इस किताब को खरीद कर पढ़ सकते हैं आपको समझ में आ जाएगी दूसरी बात यह है कि इसको पढ़ते समय आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पाते हैं आपको लगता है कि ये घटनाएं हमारे सामने घट रही हैं कहीं कोई फिल्म देख रहे हैं यानी अगर कोई फिल्म बनाने वाला हो तो वो केवल हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड को खरीद ले तो वो कम से कम छः प्रधानमंत्रियों पे फिल्में बना सकता है <laughs> उनके बारे में इतनी रोचक जानकारियाँ हैं और इतनी विस्तार से जानकारियाँ हैं इतनी गहराई और पारिवारिक तरह की जानकारियाँ हैं आपको लगता है कि मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ हमारे सामने ये सारी घटनाएँ घट रही हैं मैं मैं एक घटना अब हम लोग घटनाओं पे थोड़ी बात करेंगे चूंकि किताब में जो शामिल है एक घटना संजय गांधी से जुड़ी हुई है कि इंदिरा गांधी जी आपने एक बड़ा उदाहरण सा दिया है कि यह एक आश्चर्यजनक बात थी कि जो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो प्रधानमंत्री आ रहा था वह धार्मिक होता जा रहा था इंदिरा गांधी की आपने आखिरी समय की जो बातों का जिक्र किया है और उसमें आपने एक घटना हिमाचल से जुड़े मंदिर की दी है मैं चाहूँगा कि इस घटना के बारे में थोड़ा बताएं देखिए इस घटना है चामुंडा देवी मंदिर की हिमाचल में और इंदिरा गांधी पावर में आए 1980 में संजय गांधी जिसकी वजह से वो पावर से बाहर गई 1977 में इमरजेंसी के बाद उन्हीं के कारण वो वापस आई पावर में वो उनके सबसे बड़े क्या कहते क्रच थे या आ, मतलब उन गार्डियन थे मतलब उन उन्होंने जितने कहते साम दाम दंड भेद की राजनीति उनके साथ की और वो वापस आई 353 सीट्स को लेके बांग्लादेश वॉर के बाद की इलेक्शन से ज्यादा तो और कितने महीने में तैतीस महीने संजय गांधी यूपी के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे जब पार में आई यूपी भी जीती पांच छः महीने बाद इंदिरा जी ने कहा नहीं मैं चाहती हूँ आप दिल्ली में रहे मेरे साथ और एक उस टाइम ये कहा जाता था कि इंदिरा गांधी सोच रही थी कि 1982 में वो राष्ट्रपति बन जाएं ये स्पेकुलेशन था अच्छा। और फिर संजय टेक ओवर करें तो और थोड़ा वो चाहती थी कि थोड़ा संजय रेन इन हो जाए ठहराव आ जाए और एक नई टीम के साथ काम करे जो इमरजेंसी वाली टीम से उससे वो थोड़ा नाखुश थी तो इन्होंने कहा था जीतने के बाद मैं चामुंडा जाऊंगी और जाना था जून में और फिर जम्मू से जा आना था चामुंडा और सडनली उन्होंने मैसेज भेजा कि नहीं आ रही हैं मिस मिस दिया। तो जो सारा तामझाम हो रखा था तैयारी हो रही थी चामुंडा में जो चाहे हिमाचल के चीफ मिनिस्टर थे पूरी टीम थी वहाँ उनको वेलकम करने के लिए तो पंडित बहुत नाराज हुआ उन्होंने कहा कि आम आदमी नहीं आए तो माँ माफ़ कर देती है लेकिन राजा नहीं आए तो फिर माँ माफ़ नहीं करती तो खैर उन्होंने पूजा वूजा की और वापस दिल्ली के लिए निकले पचास किलोमीटर दूर जाके उनको खबर आती है कि संजय गांधी का प्लेन क्रैश कर गया और दिल्ली पहुँचे रात के दो बजे जो कि मैंने वर्णन किया है तो वहाँ इंदिरा जी बॉडी के साथ थी तो उन्होंने तुरंत उठ के ये एक, सा, एक साथ ले गए और कहा कि इसका कारण क्या है क्योंकि मैं चामुंडा नहीं आई तो उन्होंने कहा नहीं मैडम इस समय आप ये नहीं बात करिए लेकिन फिर से उन्होंने चौथे के दिन इस चीज़ का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये था, था कि कुछ इससे लिंक तो नहीं है वो चामुंडा में बहुत मानती थी हर महीने पैसा भेजती थी प्रसाद उनके पास आता था तो छः महीने बाद संजय की डेथ हो गई डेथ हुई क्योंकि बहुत एक्रोटिक्स कर रहे थे एक नया प्लेन था जो लिया था और बहुत डेर थे और वो कर रहे थे तो क्रैश हो गया छः महीने बाद दिसंबर में 1980 में वो चामुंडा गई और जिस तरह से उन्होंने पूजा की मत्था टेकना मुद्राएं पंडित के हाथ शेक कर रहे थे और फिर वो रोई और रोई और रोई और पंडित ने कहा अब आपको नहीं रोना है ये सारे इतने करोड़ जो हिंदुस्तान के हैं वासी ये आपके बेटे बेटियां हैं उनका ध्यान करना है फिर वो बाहर गई और पेड़ लगाए क्योंकि संजय गांधी का प्रोग्राम था पेड़ों को लगाना और उस शाम को आके दिल्ली में एक मीटिंग थी जहां उन्होंने स्टेज पे राजीव गांधी को बुलाया और इंट्रोड्यूस किया उनको अब ये जिस तरह की जानकारी है जिस तरह की मार्मिक मैं कह सकता हूँ प्रसंग है या जितना गहराई से सामान्य तौर पर लोग मानते हैं कि इंदिरा गांधी बहुत आ, आ, अग्रेसिव थी बहुत बोल्ड थी बहुत लॉ महिला थी उनके मन में उस तरह की संवेदना नहीं थी उन्होंने आपातकाल लगाया था इतने लोगों को जेल में बंद किया था संजय गांधी की भूमिका का भी आपने बहुत जिक्र किया है और उसमें आ, आपने राजीव गांधी जी की जो ताज ताजपोशी है और इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद की जो घटना है उसमें अरुण नेहरू की भूमिका का आपने काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है और यहाँ तक आपने वर्णन किया है कि जो चौरासी के दंगे थे उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और जिससे ये मुझे मतलब मेरे जैसे लोगों को पढ़ते समय ये लगता है कि आपने हालांकि उसमें आ उसको शायद छोड़ दिया है पाठकों के ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ा उस समय का जो सीन था जो स्थितियाँ थी उसके बारे में भी जो किताब में आपने लिखा है हालांकि आप लोग हम जो भी बातचीत कर रहे हैं उससे आप इस किताब को जो लगभग छः सौ पन्नों की है उसको समझ नहीं सकते एक घंटे दो घंटे या इवन छः घंटे की भी बातचीत में क्योंकि हर पन्ने पे भारतीय राजनीति का इतिहास और भारतीय प्रधानमंत्रियों की वो फैसले और उनकी वो गतिविधियां जुड़ी हैं जिनसे हमारा आज का इतिहास आज का भारत बना है भारतीय लोकतंत्र के लगभग साढ़े सात दशक इस पुस्तक में किसी न किसी रूप में शामिल हैं तो आ, एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है मैं चाहूँगा कि आप लोग खरीदें लेकिन ये बातचीत आपको छोटे छोटे अंश हम लोग चाहेंगे कि आप तक पहुंचे ताकि आपको पता चल सके कि हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड का मैसेज क्या है आपको क्या बताना चाहती थी निर्जा चौधरी जी अपनी लगभग चार दशकों के राजनीतिक अनुभवों से तो आप राजीव की बात हैं। जी मैं कर रहा था कि बा, बा, आपने बड़ा उसका एक अलग जिक्र किया है रा, बहुत हालांकि वो भी प्रसंग बहुत मार्मिक है आ, लेकिन चौरासी के जो दम अमूमन ये माना जाता है कि चौरासी के दंगों के लिए जब आ, राजीव गांधी का जो स्टेटमेंट है या सेना नहीं गई उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जब इस किताब को हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाती है कि आ, सीधे सीधे शायद राजीव जिम्मेदार नहीं थे शायद वो समझ नहीं पा रहे थे आपने किताब में लिखा है शायद वो दुख में थे शायद उनको स्थितियों का उस तरह से आकलन नहीं कर पा रहे थे लेकिन आपने अरुण नेहरू की भूमिका को बहुत विस्तार से लिखा है उस दौरान जो उनकी भूमिका थी चाहे वो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने की थी या दंगों के दौरान थी या उसके बाद भी मैं चाहूँगा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्योंकि आज की पीढ़ी मुझे लगता नहीं कि हमारे दर्शकों में अगर राजनीतिक जागरूकता नहीं होगी तो अरुण नेहरू का नाम जानते भी नहीं होंगे कि वो कौन थे और क्या उनका योगदान था देखिए संजय गांधी भी बहुत टफ लीडर थे जी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी माने जाते थे और एक जनता लीडर ने जो कहा जिसको मैंने कोट किया है कि जो मैकेलियन माइंड संजय गांधी का था हमारी तरफ जनता पार्टी की तरफ कोई भी उनके लिए मैच नहीं था अच्छा। और ये जॉर्ज फर्नांडस के करीबी एक शख्स ने ये कहा था तो जैसे संजय गांधी टफ थे उस तरह ने अरुण नेहरू भी बहुत टफ थे और बहुत कॉम्पिटेंट थे कैपेबल थे एक मल्टीनेशनल कंपनी पेंट कंपनी को हेड करते थे लोग तीन हज़ार लोगों के साथ काम किया तो एक अनुभव था तो जब इंदिरा गांधी जी ने दो जगहों से जीती एटी में तो उन्होंने वो चाहती थी कि राय बरेली किसी फैमिली मेंबर को मिले तो फिर ये आया कि मैं अरुण नेहरू को दिया जाए तो अरुण नेहरू को बुलाया कलकत्ता से और संजय वहाँ बैठे हुए थे और कहाँ जो कहा जाता है मोटू तुम तू तु, 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 तु चुनाव लड़ेगा क्या <laughs> इस तरह से बात हुई थी खैर वो लड़े बहुत शानदार तरीके से जीते और इंदिरा गांधी के काफ़ी कॉन्फिडेंस के माना जाते थे और जो पार्टी के लोग थे वो उनको पावरफुल मानते थे हालांकि इंदिरा गांधी उनको फुल्ली ट्रस्ट नहीं करती थी पर चाहती थी कि रा, राजीव जो उनके सक्सेसर के रूप में वो देखती थी उसके उनके साथ एक सपोर्ट सिस्टम होगा अरुण नेहरू द्वारा तो जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई सुबह राजीव गांधी वेस्ट बंगाल में थे कैंपेन कर रहे थे प्रणब मुखर्जी थे उनके साथ गानी खान चौधरी थे और लोग भी थे तो मीटिंग जब एड्रेस कर रहे थे तो प्रणब मुखर्जी ने चित भेजी थी उनको कि मीटिंग को स्पीच को छोटा करिए तो राजीव ने तुरंत एंड किया फिर प्रणाम मुखर्जी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे खबर आई रही है तो तुरंत ये लोग वापस गए तो प्लेन खड़ा हुआ था और फिर उसमें उमा शंकर दीक्षित तो और लोग भी थे जिन्होंने सुना था इंदिरा जी के बारे में जब ये लोग प्लेन में आए तो राजीव तो बार बार कॉकपिट कॉकपिट में जा रहे थे लेटेस्ट न्यूज़ के लिए और बहुत जल्द ही वो कॉकपिट से निकले और काशी नोमो इज डेड सो देन एकदम हक्का बक्का हो गए लोग फिर ये स्टार्ट हुआ कि कौन जगह लेगा कैसे ट्रांजिशन होगा तो वहाँ जो चीज़ें हुई जिसके दो वर्जन्स हैं उसके उस प्लेन राइड right की वजह से प्रणब मुखर्जी को ब्लेम किया जाता है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे उस समय और उसका कारण ये भी है उस कारण की वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं मिले जैसे कि कहते हैं ना द प्राइम मिनिस्टर इंडिया डिड नॉट हैव तो कि उन्होंने कहा कि नंबर टू शुड बी successor कुछ लोग ये कहते हैं लेकिन वो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैंने राजीव से कहा पीछे ले जाके कि आपको टेक ओवर करना है राजीव ने कहा क्या मैं संभाल सकूंगा तो इन्होंने कहा हम सब सपोर्ट करेंगे खैर जब दिल्ली लैंड किया ट्रेन तो अरुण नेहरू वहाँ थे सीधा वो राजीव को हॉस्पिटल ले गए अब अरुण नेहरू सारा तैयारी कर रहे थे वो नहीं चाहते थे प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बने क्योंकि उनका मानना था अगर वो बन गए तो उनको हटाना बड़ा मुश्किल होगा वो चाहते थे राजीव बने राजीव अगर बनेंगे तो फिर उनकी भी चलेगी थ्रू राजीव राजीव आ, आ, इन एक्सपीरियंस नाइस वेल मीनिंग इस तरह के थे उस समय तो उनकी चलेगी तो जिस तरह उन्होंने मनूवर किया उस शाम को एक तो जैल सिंह को भी लेने गए जैल सिंह अग्री कर गए जैल सिंह ने उस समय बोला था को बाद में बोला कुछ पंजाब के लीडर्स को कि राजीव को स्वेर इन करके मैंने इंदिरा जी के जितने भी मेरे ऊपर एहसान थे उनको चुपका चुकता कर दिया खैर उन्होंने स्वेर इन किया पर उस शाम छः बजे नरसिम्हा राव होम मिनिस्टर अपने ऑफिस जाते हैं और फ़ोन आता है किससे अरुण नेहरू से और उन्होंने कहा बैक ऑफ पीएमओ डील करेगा तब तक थोड़ा वायलेंस और ये सब स्टार्ट हो गया था सिखों के खिलाफ बैक ऑफ जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी इसके बारे में आप पीएमओ को फॉरवर्ड करेंगे तो अब क्या नरसिम्हा राव उस शाम जो हुआ छ और सात के बीच में सात बजे स्वेरिंग हुई, इन हुई आ, राजीव गांधी की कौन इंचार्ज था आर्मी को बुलाना चाहिए था आ, ये माना जाता उन तीन दिनों में जो गदर हुआ जो वायलेंस हुई जो सिक्कों को मारा गया दिल्ली में और और जगह इंडिया एज अ कंट्री विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू लिव दैट जो हुआ और अरुण नेहरू का रोल था और ये तो मैंने कोट किया कई चीज़ें मैंने नहीं कोट की हैं अच्छा जो कि जिस तरह से जो कहा गया और प्लान किया गया Uh, कांग्रेस वर्कर्स को बोला अरुण नेहरू ने क्या क्या चूड़ियाँ पैर रखी हैं क्या माँ को मारा है ये, ये तो आपने लिखा, ये है, लिखा है ये बात लिखी, ये लिखी है लेकिन और चीज़ें नहीं, नहीं लिखी। तो तीन दिन ये चलता रहा जब अंत्येष्टि हुई क्रिमेशन सब हुआ उसके बाद दिल्ली ठंडा हुआ तब आर्मी को बुलाया गया अब आपने जो पूछा राजीव गांधी को क्या पता था ऐसा कुछ मतलब माँ की बॉडी के पास थे मेरा भी ये असेसमेंट है जो जो मैंने पढ़ा और देखा और सुना लोगों से कि शायद राजीव गांधी को नहीं पता था एक्चुअली क्या हो रहा है अरुण नेहरू सारा संभाल रहे थे लेकिन बाद में इलेक्शन कैंपेन के द्वारा दौरान उन्होंने इसको भुनाने की कोशिश की। भुनाने की कोशिश की और ये कहा था आपको याद है बहुत जी 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 कि तो बड़ा पेड़ गिरता है मतलब एक तरह से कंट्रोल किया कि मैम क्या आपको लगता है कि भारतीय राजनीति में आज तक राजीव गांधी का वो बयान और दो घटनाएं और मैं जिक्र करूंगा राजीव गांधी के कार्यकाल की दो बड़ी घटनाओं का आपने उल्लेख किया है एक शाहबानों का मसला और दूसरा राम मंदिर के ताला खुलने की बात ये दोनों आपने इस किताब में उसका बहुत विस्तार से जिक्र किया है क्या आपको लगता है कि ये दो इन दो घटनाओं ने आ, कांग्रेस को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से ज्यादा बड़ा झटका दिया देखिए नींव इन दो घटनाओं ने डाली क्योंकि राजीव गांधी जब आए तो आ, आ, आपको भी याद होगा एक जैसे होता है ना क्या बोलते हैं एक नई आशा की किरण हमारे इंडिया टुडे की कवर स्टोरी थी मैं नौजवान हूँ मेरा भी एक सपना है दिस इज राइट के साथ दिस इज राइट तो मतलब जैसे कि इंदिरा गांधी की हत्या फिर आंटी सिख राय देश में मायूसी कुछ हो नहीं रहा सालों से ड्रेफनेशन ये चल रहा था और आते ही इन्होंने कई निर्णय लिए पंजाब अकॉर्ड किया असम अकॉर्ड किया मिजोरम अकॉर्ड किया उन उन समस्याएं से जूझने की कोशिश की जो सालों से चली आ रही थी वोटिंग एज को कम कर दिया अठारह साल और एंटी डिफेक्शन लाए बिल लाए जो कि आया राम गया राम जो चल रहा था उसको रोकने के लिए महिलाओं को रिजर्वेशन पंचायती राज वो पंचायती राज पास, पास नरसिम्हा राव के टाइम हुआ जी। पर शुरुआत, शुरुआत वहाँ से की तो कई चीज़ें थी और न्यूक्लियर पे बहुत इंटरेस्टिंग था जो उन्होंने एट्टी फाइव में ही स्टार्ट कर दिया था लेकिन जहाँ कास्ट और कम्युनिटी की बात आई वो मुझे लगता है कि वेस्टर्न अप्रिंगिंग जो भी था उसको पूरी तरह नहीं समझते थे कितना होल्ड है हिंदुस्तान में इन दो चीज़ों का और दूसरा पॉलिटिकली नाइफ इन एक्सपीरियंस थे एक्सीडेंटल असली में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर राजीव <laughs> सुबह आप सपने भी नहीं सोच सकते थे और आज शाम को सात बजे तक आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे तो आ, जो आप कह रहे हैं उन्होंने कोशिश की मुस्लिम वमेन बिल एक ये शाबानु जजमेंट था एक डाइवोर्स्ड ओल्ड वुमन मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस देने का मुसलमान कम्युनिटी भड़क गई कि हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है उसको निगेट करने के लिए मुस्लिम वमेन बिल लाए क्योंकि फिर हिंदू नाराज़ हुआ उनको खुश करने के लिए आ, ताला जो था डाला गया था बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर पे उसको खुलवा दिया ताकि वर्शिप कर सके राम की मूर्ति थी वहां 1949 में रखी गई थी तो दोनों को खुश करने की कोशिश की और खुश किसी को नहीं कर पाए और 414 सीट्स अनप्रेसिडेंटेड से वन पे सेवन आ गए 1989 एटी नाइन में फिर बॉफर्स की कहानी होती है विश्वनाथ प्रताप सिंह उभरते हैं और एटी नाइन में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए राजीव गांधी को हटा के मैम अगर मैं पूछूं कि आपने जिन प्रधानमंत्रियों को लिखा है जिनके बारे में लिखा है सबसे बड़ी चुनौती अगर हम क्रम से कहें कि, कि किस प्रधानमंत्री के सामने थी इस पुस्तक के आधार पे मैं और वो क्या चुनौती थी तो अगर हम क्रम से चार पांच चुनौतियों को चैलेंजेस को जिस प्राइम मिनिस्टर ने फेस किया कि ये सबसे टफ था और शायद वो उसके अलावा उस सिचुएशन को कोई दूसरा हैंडल नहीं कर सकता था या वो चुनौतियां कौन सी थी जब प्रधानमंत्री अंदर से हिल गया हो कि इस पर क्या निर्णय करें तो मानेंगे किसके सामने सबसे ज्यादा इंदिरा जी के सामने बड़ी चुनौती थी या राजीव जी के बड़ी थी क्या मुरार देसाई के सामने जो चरण सिंह और राजनारायण का बड़ा रोचक उल्लेख किया है आपने जगजीवन राम जी की जो कहानी आपने लिखी है मतलब मैं आप लोग जब इसको पढ़ोगे तो आप हमारी बातचीत से कभी भी उस डेप्थ तक नहीं जा सकते जो इस पुस्तक में है आपको ऐसे ऐसे किस्से मिलेंगे खासकर जो नए लोग हैं चालीस और पचास की उम्र तक के लोग बीस से लेकर पचास तक की उम्र के जो लोग हैं उनको ऐसे किस्से मिलेंगे कि आप सोचोगे कि अरे ये, ये तो मुझे पता ही नहीं था ये तो मुझे पता ही नहीं था ये तो मुझे पता ही नहीं था अच्छा ऐसा भी हुआ था अच्छा ऐसे भी हुआ था अच्छा दिल्ली ऐसे भी घिर गई थी ऐसी भी राजनीति होती थी मीडिया का इक्की यह भी भूमिका थी उस जमाने में भी स्कैंडल होते थे और किस तरह से होते थे जगजीवन राम के उनके पुत्र की जो घटना है किस तरह से वो मतलब अलग अलग घटनाएं हैं और बहुत ही आपको जब इसको पढ़ेंगे तो सत्ता के केंद्र में शक्ति किस तरह से काम करती है षडयंत्र किस तरह से काम करते हैं संबंध किस तरह से काम करते हैं उसकी भी जानकारी होगी एक परिवार का बहुत बड़ा उल्लेख किया है मैम ने आ, मोहन मिकिन्स के परिवार से इंदिरा गांधी को किस तरह से हर तरह का सपोर्ट मिला केवल एक तरह का नहीं केवल हम आज बात करते हैं आर्थिक आ, संबंधों की लेकिन आर्थिक से ज़्यादा विश्वास का और उसके अलावा आ, राजनीति का और आत्मिक संबंधों का जो पारिवारिक संबंध होते हैं वो किस स्तर पर काम करते हैं मैं चाहूंगा मैं थोड़ा आ, उस मोहन की की जो भूमिका थी उस परिवार की, आपने बाकायदा बहुत विस्तार से उल्लेख किया काफी पन्नों में वो देखिए हाँ। वो बी आर मोहन थे जिनसे इंदिरा जी का बहुत अच्छा रिश्ता था उनकी डेथ के बाद कपिल मोहन ने टेक ओवर किया उनका संजय गांधी से बहुत अच्छा रिश्ता और जो राजनारायण को तोड़ा जनता पार्टी से राज नारायण याद करिए जिन्होंने इंदिरा गांधी को डिसक्वालीफाई करा दिया था केस करके ऊपर कर 1975 में जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी।, लगी तो वही राजनारायण और सतहत्तर में वही राज नारायण ने इंदिरा जी को हराया हरा था, था। वही राजनारायण इंदिरा गांधी के सबसे बड़े डेमोलिशन स्क्वाड जनता पार्टी को <laughs> गिराने में बने ये कैसे हुआ उसमें मोहन विकेन का कपिल मोहन का बड़ा हाथ था कैसे आरएसएस के लोगों से भावराव देरस बाला साहब देरस के भाई जो कि पॉलिटिकल विंग को देखते थे आरएसएस की राजीव गांधी की चार भेंट हुई उनसे तीन नाइनटीन टू और 84 फोर के बीच में एक जब राजीव पावर में नहीं थे वो भी कपिल मोहन कुछ कपिल मोहन के घर हुई एक अनिल बाली के घर हुई एक दस जनपद पे हुई जब वो आव, पावर में नहीं थे तो ये जो रोल प्ले किया ना जब जीवन राम की आपने बात जी। कि उनके बेटे एक सेक्स स्कैंडल में पकड़े गए फोटोज खींची हुई थी डेडली थी तो जब जीवन राम आए थे राजनारायण से मिलने कपिल मोहन के घर बार्गेन करने के लिए पर वो कुछ हुआ नहीं तो वही फ़ोटोज़ कपिल मोहन ने रात के एक बजे इंदिरा जी के पास संजय के पास भेजी कि तुरंत जाके तो और फिर उनको uh, सेफली रखा गया तो कपिल मोहन और वी आर मोहन की भूमिका थी पुष्पा मोहन जो जिंदा है कपिल मोहन की वाइफ वो उन्होंने मुझे कहा कि इंदिरा जी को ये अचार बहुत अच्छा लगता था हम आ, आते थे तो हम भावराव तो वो बना के भेजती थी, थी उनके लिए भावराव को जामुन का जूस हम भेजते थे क्योंकि वो डायबिटिक थे राजनारायण के लिए जब उनके जगह पे लोग आते थे नाश्ते पे तो वो फ़ोन करते थे बहुरानी यहाँ दस लोगों का नाश्ता भेज दो तो इस तरह के भी संबंध थे फाइनेंशियल संबंध ज़रूर होंगे मुझे मैं उसमें नहीं 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 आपने बहुत निजी संबंधों की बात की और एक बड़ी बात ये है कि इन परिवारों के संबंध राजनीतिक सीमा में नहीं बधे थे वो सबके लिए थे वो निजी स्तर पर थे राजनारायण जी से भी थे इंदिरा जी से भी थे भाऊराव जी से 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 भी थे मतलब से थे थे मतलब मतलब सभी एक तरह कांति के बेटे बहुत बहुत अच्छे थे। तो क्रॉस मतलब अलग तरीके का इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिक्स ऐसे होता होते हैं बात करते हैं दोनों एक दूसरे को फेवर करते हैं हम लोग जानते हैं हर गवर्नमेंट का ही होता है लेकिन इनके संबंध सबसे थे अक्रॉस पार्टी थे कौन कभी यूजफुल होगा हाँ मैम तो जो मेरा सवाल था है कि अगर मैं आपको चुनने को कह दूं क्योंकि आपने इतनी <laughs> रिसर्च बेस्ड तो और थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम थोड़ा कैटेगराइज हाँ। उससे क्या है कि भारतीय इतिहास और भारतीय लोकतंत्र को जो दिशा मिली है और आज हम जिस जगह बात करते हैं जिस प्रधानमंत्री जो पावर है अब इस समय तो जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं उनकी शक्ति को देखने से लगता है कि ये सारी पावर देश की इन्हीं के अंदर नहीं थी संसद की भी और संविधान की भी कई बार कई लोग कहते हैं ना प्राइम मिनिस्ट्रियल डिक्टेटरशिप है <laughs> तो जो चुनौतियां थी मुझे लगता नहीं कि आ, आने वाले समय में अभी फिलहाल तो दिखती नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी चुनौतियां होंगी लेकिन आपने जितने भी प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया है सभी के सामने कभी न कभी बड़ी चुनौतियां थी और वो उससे दो चार भी हुए उससे बाहर भी निकले उसका माध्यम जो भी रहा हो उसका उसको जानने के लिए आपको किताब पढ़नी होगी तो अगर हम कैटेगरी वाइज पूछें तो आप सबसे बड़ी चुनौती Uh, मान लीजिए इंदिरा जी के सामने क्या थी क्या बांग्लादेश क्या आपातकाल लोगों का विद्रोह मतलब uh, मान लीजिए चलिए ऐसे मैं पूछना शुरू करता हूँ फूड में आत्मनिर्भर होना इंदिरा गांधी जब अमेरिका गई टेक ओवर के बाद तो जैसे कहते हैं ना इंडियन प्राइम मिनिस्टर कम्स विद अ बेगिंग बॉल <laughs> तो पीएल uh, फॉर जो वीट आता था उस उन्होंने ठान लिया जो ग्रीन फिर ये फूड का जो उन्होंने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ी तो वो एक बड़ी चुनौती थी उस समय बांग्लादेश था पाकिस्तान था वो सब चीज़ें थी और उस टाइम सेवेंथ फ्लीट आ, आ गई थी हमारे सातवां बेड़ा मार बिल्कुल। 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 तो सटनली सामना किया पर फिर इमरजेंसी की तरफ चली गई और आ, डेमोक्रेसी uh, से अलग हो जाना और जब वो वापस पावर में आई और संजय की डेथ हुई तो फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब प्रॉब्लम्स का से जूझना फिर ड्रिफ्ट होता गया उसको वो ठीक से संभाल नहीं पाए 1980 से 84 जब उनका असैसिनेशन हुआ क्या संजय गांधी का ना होना भी इसकी एक वजह हो सकता है एक इतना माँ के लिए इतना धक्का था लोग उस समय मुझे याद है चर्चा थी कि क्या इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स छोड़ दें हाँ ये चर्चा होती थी लेकिन थी। वो छोड़ा नहीं और पंजाब ड्रिफ्ट होता चला गया बिल्कुल और इतना ज़्यादा हो गया कि फिर आर्मी को अंदर जाना पड़े वहाँ सेपरेट पंजाब का स्टेट खालिस्तान का बनना ये सब चीज़ें बहुत बड़े चैलेंजेस थे आ, फिर उसके बाद राजीव गांधी शाबानु का था लेकिन उस मायने में फोर हंड्रेड सीट्स का तो एकदम आप कंफर्टेबल हैं उसको ठीक से हैंडल नहीं किया गया पर उस तरह से चुनौती नहीं थी जैसे कि इंदिरा जी के टाइम थी मैं कहती हूँ विश्वनाथ प्रताप सिंह के सामने चुनौती अलग थी उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक नेशनल विकल्प खड़ा कर दिया दो साल में कांग्रेस से निकल के राइट लेफ्ट सेंटर के फोर्सेस को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया और कांग्रेस को पावर से बाहर किया उसके बाद कांग्रेस मेजॉरिटी कभी नहीं पा पाई है नरसिम्हा राव के टाइम पाँच साल सरकार चली लेकिन माइनॉरिटी के रूप में सरकार आई थी पार्टियां तोड़ के उन्होंने मेजॉरिटी बनाई और चलाई सरकार लेकिन आ, नेहरू गांधी फैमिली विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद कभी भी पावर में नहीं है इधर सोनिया गांधी का रोल रहा मनमोहन सिंह की प्र, 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 प्राइम मिनिस्टरशिप में लेकिन अपने से नहीं आई है और कहीं ना कहीं जो शुरू से विश्वनाथ प्रताप सिंह को जूझना पड़ा अंदर से चैलेंज था चंद्रशेखर देवीलाल उनका बाहर से चैलेंज था राजीव गांधी जो डे वन से चाह रहे थे इनको हटाएंगे भाजपा खड़ी हुई थी उनको लगता था बी पी सिंह कहते थे बहुत सफाई से कहते थे कि मैंने अपनी सरकार को दो साल दिए थे उसके बाद मुझे भाजपा गिराएगी अच्छा क्योंकि हम कंटेंडर्स हैं उसी पोस्ट के लिए तो लेकिन वो पूरा फास्ट फॉरवर्ड हो गया ग्यारह महीने में उनकी सरकार की तो सारा टाइम उनको इंटरनल मैनेजमेंट जो करना पड़ा और मंडल भी उसी के दौरान आया किस तरह से अपनी सरकार को बचाया जाए उसका इम्पैक्ट क्या हुआ वो अलग कहानी है फॉर ऑल टाइम टू कम हिंदुस्तान को बदल दिया हिंदुस्तान की राजनीति को बदल दिया नरसिम्हा राव के लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस थे जब उन्होंने टेक ओवर किया तो मंदिर मंडल से जो पैशंस थे देश में स्टूडेंट्स ने इमोलेट किया हुआ था अपर कास्ट की लड़ाई ओबीसीज के साथ पंजाब अपनी जगह सुलग रहा था कश्मीर अपनी जगह सुलग रहा था फिर आते ही उनको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस का जो सामना करना पड़ा और बिफोर टेक ओवर एज प्राइम मिनिस्टर आवर्स बिफोर ही उन्होंने निर्णय लिया कि हम जाए ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी, डिवेल्युशन ऑफ द रूपी वो जो सारे कदम लिए नरसिमाराओं ने और स्टेबलाइज किया इकॉनमी को तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था फिर सोवियत यूनियन का बिखर जाना यूनिपोलर वर्ल्ड से जूझना फिर उन्होंने सेंट्रलेशन रिपब्लिक्स की तरफ हाथ बढ़ाया लुक पॉलिसी दी नरसिम्हा राव ने बहुत मतलब उस दिन जब इस किताब का लॉन्च हुआ ना जी तो कुछ पैनलिस्ट से पूछा गया कि आप किसको सबसे बेहतर प्रधानमंत्री मानते हैं, हैं। तो शरद पवार ने कहा पीवी नरसिम्हा राव अच्छा कि वो इनको सबसे बेहतर मानते हैं लेकिन एक जो चीज़ जिसने सारा वो गड़बड़ किया नरसिम्हा राव के लिए वो था बाबरी मस्जिद का ढहना और वो चीज़ उन्होंने अलाउ की ये नहीं कि कई लोग कहते हैं ना कल्यूट किया भाजपा से मिल के किया वो नहीं मैं मानती हूँ उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है पर इनको आभास था कि हो सकता है और वो कदम उन्होंने नहीं लिए और कहा कुछ जर्नलिस्ट पत्रकारों से ये कहा जो कि किताब में है कि उसमें निखिल चक्रवर्ती जिनको वो बहुत मानते थे उनके मित्र भी थे पत्रकार थे भेनस्ट्रीम के एडिटर थे और कहा उन्होंने कहा दादा हमने सुना कि आप पूजा कर रहे थे जब मस्जिद गिरी तो उसने बोल उन्होंने बोला कि आ, मैं मैं राजनीति में हूँ और मैं मुझे मालूम था मैं इसको मैंने होने दिया भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए मंदिर की राजनीति तो उनको लगा कि ये फेस्टरीन शोर है इस ये हट जाएगा तो शांति हो जाएगी और असली में वो अपने आप मंदिर वहाँ बनाना चाहते थे अच्छा बाद में उन्होंने ट्रस्ट का भी गठन किया और रजिस्टर भी हुआ सबसे जो अहम हिंदू संस्थाएँ थी सब उस ट्रस्ट में थी लेकिन 95 में उन्होंने कहा जब पार में वापस आएंगे तो ये करेंगे तब तक मंदिर का इशू शांत हो गया था पर बीजेपी का जो राष्ट्रवाद का मसला था इशू था वो शांत नहीं हुआ था बीजेपी है टेस्टेड ब्लड के यहाँ बन सकता है अगर हम गिरा सकते हैं और आज तक किसी को पनिश नहीं किया गया है उसके लिए तो हम तो मंदिर एक बाद में बहुत बड़ा इशू बना पर उन्होंने इसको ठंडा कर दिया था लेकिन जो असली डैमेज हुआ ना वो जो मुस्लिम साइके को ठेस पहुंची कि भारत का संविधान और भारत की स्टेट हमारे राइट्स को नहीं प्रोटेक्ट कर सकती वो डैमेज ज़बरदस्त हुआ है आज भी माइनॉरिटी कम्युनिटी बहुत अपने को इनसिक्योर महसूस करती है और कहीं ना कहीं नरेंद्रो भाजपा की पॉलिटिक्स तो रही है अपीजमेंट की बात तुष्टिकरण की बात तीन मुद्दों में से एक मुद्दा है जो प्रधानमंत्री ने इस सब अभी भी बोली जी परिवारवाद करप्शन और ये तुष्टिकरण पर कहीं ना कहीं आप बीस हज़ार लोगों की बात नहीं कर रहे हैं आप ऑलमोस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको कैसे सिक्योर महसूस कराया जाए ये नरेंद्र मोदी को आज अगर जैसे वो थर्ड टर्म के लिए बिट कर रहे हैं ये सीरियसली सोचना पड़ेगा हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं मैम उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सोनिया गांधी का उन्होंने राजीव गांधी जी की तो पत्नी ही थी हालांकि उन्होंने उनको मना किया था एक बार वो राजीव गांधी को अपने पति को प्रधानमंत्री बनने से मना करती हैं और दूसरी तरफ ये बहुत घोषित बहुत आज की पीढ़ी भी जानती होगी कि जब उनके पास प्रधानमंत्री बनने का अवसर था तो उन्होंने मना कर दिया था और जिस प्रणव मुखर्जी के लिए यह कहा जाता था है कि वो खुद बनना चाहते थे राजीव गांधी जी के समय में प्रधानमंत्री उन्होंने ही सोनिया गांधी को वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने उनका नाम कम से कम प्रस्तावित किया था उस मीटिंग में क्या वजह पाती हैं आपके सोनिया जी ने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया या वो नहीं चाहती थी कि राजीव भी प्रधानमंत्री बने क्या ऐसे कि उस समय तो वो बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं थी पहली बार पहली बार जब रहा तीन प्रधानमंत्रियों को सोनिया जी ने इन्फ्लुएंस किया है राजीव गांधी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह उनका अच्छा। इन्फ्लुएंस रहा है हाँ। मतलब सॉलिड इन्फ्लुएंस रहा है और मनमोहन सिंह के टाइम तो उनको आधा प्रधानमंत्री ही माना जाता था पर और उनको कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर चुन लिया था यूपीए ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन राहुल गांधी ने कहा माँ को कि मेरी दादी को मार दिया गया मेरे फादर को मार दिया गया छः महीने में आपको मार दिया जाएगा ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात बता रही हैं आपकी राहुल गांधी ने मना किया जबकि ऐसा तो नहीं राहुल गांधी नटवर सिंह को मैंने कोट किया है नटवर सिंह महा थे उस मीटिंग में जहां ये बात हुई तो आ, उन्होंने माँ को चौबीस घंटे दिए नहीं अच्छा। तो मैं कुछ ड्रास्टिक कर लूंगा ऐसा बोला था ऐसा बोला था जो कोट कर जबकि लोग ये कहते हैं कि कलाम ने मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि नहीं प्रधानमंत्री या फिर सुषमा स्वराज ने जो कहा था कि मैं मुंडन करा लूंगी और जमीन पे सोऊंगी उसके दबाव वो सब, सब चीजें तो अपनी जगह चल रही थी हालांकि वाजपेयी जी ने जिस दिन इनको कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता चुना गया उस दिन इनकी बातचीत वाजपेयी जी से हुई इन्होंने आशीर्वाद मांगा वाजपेयी जी का वाजपेयी जी ने कहा मेरा आशीर्वाद आपके साथ है लेकिन मेरा सुझाव है कि आप नहीं बने क्योंकि देश डिवाइड हो जाएगा सिविल सर्विसेज डिवाइड हो जाएंगी खैर वो दो दिन पहले था जो जो घटना मैं बता रही हूँ राहुल के साथ हुई वो चल रहा होगा अंदर वार्तालाप लेकिन उसमें मनमोहन सिंह थे नरपढ़ सिंह थे सुमन दुबे थे प्रियंका गांधी थी और आ, सोनिया गांधी थी इस मीटिंग में और राहुल ने आके ये कहा था फिर उन्होंने बाय दैट टाइम ये हुआ तो बाय दैट टाइम सोनिया गांधी ने डिसाइड कर लिया था तो बाहर मीटिंग में गई सीनियर लीडर्स की कांग्रेस के वहाँ उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम सुझाव दिया था तो मैं ये सारा मुझे और नटवर सिंह जी ने बताया है मैम क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो बार बार प्रधानमंत्री बनने की अनिच्छा जाहिर करते हैं कि नहीं मैं इच्छुक नहीं हूँ या मैं प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं लड़ रहा हूँ जब से वो राजनीति में है लगातार देखा जा रहा है कैबिनेट में क्या इसकी वजह कहीं आ, उनका बचपन या उनके जो अनुभव हैं या जिस वजह से वो इंदिरा सोनिया गांधी जी को मना करना चाह रहे थे सोनिया गांधी को मना किया था कि नहीं आप प्रधानमंत्री ना बनिए खुद राहुल के मन में ऐसी कोई अनिच्छा इस कारण से भी हो सकती है मुझे लगता है राहुल माँ को कुछ हो जाए नहीं चाहेंगे अपने आप जो हो जाए उसके लिए तैयार होंगे इतना मैं मानती हूँ राहुल के बारे में और चीज़ें हम राहुल को क्रिटिसाइज करते हैं पर ये एक चीज़ मैं मानती हूँ कि वो उसके बारे में वो कारण नहीं होगा हालांकि राहुल की डिसीजन ने और सोनिया जी के ना कहने से उनको देश में एक्सेप्टेबल बना दिया और बीस साल तक वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही और आज भी तौलस लीडर हैं कांग्रेस की उस उस समय प्रधानमंत्री शिप को ना कहने के कारण अगर नहीं कहती तो छः आठ महीने में इतना उथल पुथल होती बीजेपी नॉन कोऑपरेट करती कितने देर टिकती वो अलग चीज़ है तो उसका जो असर हुआ वो बहुत अलग था आ, लेकिन कारण ये था कि वो नहीं चाहते थे कि माँ को कुछ हो जाए उनको लगता था होगा जो हिस्ट्री रही थी उनकी फैमिली के साथ मैम आपको क्या लगता है ये सिचुएशन कभी मतलब जो भारतीय राजनीति का जो इस तरह का उभार हुआ हम उसको देख सकते हैं आ, राजीव गांधी जी के समय में ताला खुला आ, आपने किताब में उसका उल्लेख किया है नरसिंह राव जी के समय में बाबरी डिमालिस हुई और आ, <coughs> कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को ये लगा वो कांग्रेस से दूर हो गया और वो शायद आज तक लौटा नहीं है पूरी तरह से तो मैं लौटा है जी बिल्कुल लौटा है है अब अब उसका फर्स्ट प्रेफरेंस कांग्रेस आज जहाँ कांग्रेस नहीं है वो रीजनल पार्टीज की तरफ देख रहा है नहीं लेकिन क्या इससे हिंदू ज्यादा कट्टरपंथी हुआ, हाँ, हिंदू, हिंदू हुआ है तो और वो भी हमें समझने की जरूरत है हिंदू का हिंदुवाइज होना क्या भाजप की राजनीतिक राजनीति की वजह से है या उसमें हमें और गहराई से सोचना पड़ेगा आप क्या पाती हैं? मुझे लगता है हमें समझने की जरूरत है हिंदू क्यों हिंदुवाइज जैसे हुआ है उसका फायदा भाजप ने उठाया है उसको उकसाया भी होगा तो मतलब जैसे कहते हैं ना पोलराइज करने की कोशिश करते हैं चुनावों से जी जी लेकिन ये ये पूरी तरह से मुझे लगता है हम समझने समझे नहीं मुझे लगता है मुझे तो समझने की ज़रूरत है इसको और गहराई से मैम इस पूरी किताब में अमेरिका की बात आपने कई प्रधानमंत्रियों के समय में आई है और खासकर उसका न्यूक्लियर से जुड़े मसलों पे और अटल जी का जो कार्यकाल है वो हमसे लगभग छूट सा रहा था बातचीत में तो मैं एक तो अमेरिका की जो भूमिका है पूरे सारे प्रधानमंत्रियों के दौर में जिनका अलग अलग आपने अलग अलग संदर्भों में उल्लेख किया है आ, उस पर आप क्या मानती हैं क्या हमारे प्रधानमंत्रियों पर हमारी जो सुरक्षा की नीति है खासकर परमाणु से संबंधित नीति पर या हमारी आर्थिक नीति पर जैसे आपने आपने बात में कहा कि सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि भारतीय प्रधानमंत्री अगर अमेरिका गया है तो कटोरा लेके गया इंदिरा जी के जमान इंदिरा जी के आज तो बिल्कुल नहीं आज तो बहुत अलग नज़र से देखते हैं जैसे कि सही है जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज जगह बनी है हिंदुस्तान को दो तरह से देख रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड तो एक मार्केट Expanding market, expanding economy, दूसरा as a क्या वाकई भूमिका हमारी आ, में, आ, रही है और आपने कहा है कि राजीव गांधी ने ही शुरू कर दिया था नरसिंह राव जी के समय में आपने पूरा विस्तार <laughs> से वर्णन किया है कि किस तरह से हमारे जो है डीआरडीओ के लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी और बाद के दिनों में कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात को माना भी था कि इसकी सब तैयारी हो चुकी थी मैं थोड़ा उस बिंदु पर आना चाहता हूँ क्या वाकई उसकी उस घटना का जो आपने उल्लेख किया है वह क्या है देखिए अभी तक माना जाता है कि जो निकला है कि 1989 में राजीव गांधी ने ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दिया था वेपनाइजेशन के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी के लिए असली में ये शुरुआत 1985 में ही हो गई थी जो जिसको मैंने लोगों को लूट करके कहा है और आ, उस समय राजीव गांधी डिसामेंट की बात कर रहे थे दुनिया भर में यहाँ भी कि कैसे डिसामेंट हो दुनिया को मनाया जाए तो ये अमेरिका गए थे 85 के अंत में तो रोनल रेगन जो प्रेजिडेंट से मिले तो उन्होंने बताया इनको कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो ये राजीव गांधी ने कहना शुरू कर दिया की बात तो उन्होंने कहा थियोरी की बात मत करो अपनी प्रोटेक्शन की बात सोचो उसके बाद राजीव गांधी ने एस के सिंह थे वियना में एम्बेसडर उन्होंने उनको पाकिस्तान भेजा और आ, उनको कहा कि पता किया जाए तो काहूटा जैन रिच यूरेनियम की फैसिलिटी पाकिस्तान की है तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है आ, इस्लामाबाद से तो वहाँ उन्होंने एक बार बनाए की दुकान खुलवाई पहले तो इंटेलिजेंस गैदरिंग जो लिसनिंग पोस्ट जो होती हैं अपने घर के ऊपर उन्होंने कनेक्ट कनेक्शन करा के ताकि सिग्नल्स तक ता, वहाँ तक जाएंगे तो बारबर शॉप में जो आ, ये फैसिलिटीज से जो चपरासी आते थे और लोग काम करने आते थे बाल क्या होते हैं बहुत सेंसिटिव होता है माइक्रोन एटम्स को पकड़ लेते हैं तो वहाँ उनको पता लगा कि सच में ये हो रहा है अंदर तो उनको पुष्टि हो गई हो गई कि ऐसा है तो उसी टाइम उन्होंने गोहेड किया था कि इस तरफ बढ़ना है फाइनल ऑर्डर उन्होंने नाइनटीन में दिया था वेपनाइजेशन का तो राजीव गांधी से शुरुआत करके अटल फिर नरसिम्हा राव ने तो पूरी टी थ्री तीन दिन पहले तक की तैयारी कर रही थी गोहेक देना था और फिर इन्फॉर्मेशन लीक हो गई अमेरिकन्स को तो वो पीछे हट हाँ गए जब अटल बिहारी वाजपेयी आई सरकार में 96 में अभी मजारिटी नहीं प्रूव की थी ना मेजॉरिटी थी तो वो मिले थे आ, वाज राव से मिले गए थे नहीं। नहीं। और राव ने उन्हें कहा था सब कुछ तैयार है यू कैन गो है पर उन्होंने नहीं किया क्योंकि मजॉरिटी नहीं थी अमेरिकन प्रेशर उनपे था या उनके कैबिनेट सेक्रेटरी ने मना किया जो भी था कि मेजोरिटी नहीं है वो उन्होंने नहीं किया फिर नाइन एट में जब वो आए तो तुरंत उन्होंने

एटम बम का जवाब एटम बम है जब चाइना ने 64 September. में टेस्ट किया था सेवनटीन 70s में 77 में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बने मुरार जी के उन्होंने सी में वोट किया था कि हमको न्यूक्लियर नहीं करना चाहिए और 98 में आके उन्होंने टेस्ट किया तो लेकिन वाजपेयी की जो खासियत थी आप वाजपेयी के बारे में पूछ रहे थे कि इतना फ्लिप फ्लॉप करते भी लोग उनको मॉडरेट मानते थे ये एक उन्होंने छवि बन बना ली थी कि ये जो उनके हार्ड लाइनर्स हैं आर में या पार्टी में उन पर दबाव डाल रहे हैं उसकी वजह से इनको ऐसे बोलना पड़ा तो एक सहानुभूति होती थी वाजपेई की लियर असली में जो करना चाहते थे अपनी जो उपलब्धि मानते थे वो कश्मीर पे जो उन्होंने पहल की और पाकिस्तान के साथ नए रिश्ते हों उस पर जो पहल की अब वो सफल नहीं हुए लेकिन उपलब्धि वो अपने को वो माना उस समय लोग चर्चा करते थे कि नोबेल पुरस्कार के लिए ये प्रयास हो रहा है <laughs> जो भी हो नोबेल प्राइज के लिए उसके लिए तो कई प्रधानमंत्रियों ने चेष्टा की होगी ना <laughs> मैम दो सवाल मेरे और हैं एक जो इस पुस्तक की हेडिंग है क्या प्राइम मिनिस्टर शीर्ष पर पहुंचने के बाद वाकई बहुत अकेले हो जाते हैं देखिए शुरुआत मैंने किताब की उससे की है और मैंने इसलिए मैंने प्रधानमंत्रियों से जिन जिन से मैंने बात की ये सवाल पूछा था आ, मुझे लगा कि जब हम प्रधानमंत्रियों के देखते हैं कि इन्होंने ये नहीं किया इतने स्ट्रॉन्ग हैं जैसे कि आपने इंदिरा जी के बारे में किया कि मनिपुलेशन और जो कहते हैं ना साम दाम कुछ भी अपनी पॉलिटिकल पावर को पास में रखना हाथ में रखना या वापस पावर में आना उसके लिए करना लेकिन अगर आप देखिए एक ह्यूमन साइड है और ये जितना आप ऊपर जाते हो ना ये प्रधानमंत्रियों का वो था निचोड़ उतना ही आप अकेले पर जाते हो ये नहीं कि फाइनली बक स्टॉप्स विद यू कि आपको वो निर्णय लेना है जो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल सकता है या प्रभावित करेगा कोई प्रभावित करेगा उसका आभास होना है एक बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन उसके अलावा भी मुझे लगता है कि एक लोनली जो नॉर्मल चीज़ें आप पर मैं बात करते हैं कहीं जाके बात बाहर खाना जो वीपी वी वी सिंह ने कहा है ना तो मैं गोल्फ़ खेल सकता हूँ ना मैं छुट्टी पे जा सकता हूँ ना मैं दोस्तों के साथ बैठ सकता हूँ मतलब वो जो आम लोगों की जिंदगी है ना वो नहीं है एक प्रधानमंत्री की हालांकि पावर है लगता कुछ भी कर सकते हैं पर असलियत थोड़ा अलग भी है दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे प्रिय प्रधानमंत्री कौन <laughs> है क्योंकि आपने तो सभी जिन लोगों से आप मिली हो और वो क्यों प्रिय मैं नहीं कह सकती क्योंकि जितना मैंने देखा सबको सबके बहुत चैलेंजेस भी थे और करने की कोशिश भी की चीजों को कर नहीं पाए पर फैसिनेटिंग मुझे आज भी इंदिरा गांधी लगती है आप कहेंगे मैं महिला हूँ महिला थी <laughs> और यंग महिलाओं से जब मैं बात करती हूँ ना उनको भी वैसे ही लगता है आई थिंक कुछ है फैक्टर कि महिला थी और इस शिखर पे पहुँची और कितनी चुनौतियों से जूझ के पहुँची और चार दशक बाद भी अगर आप मैं जाती हूँ तो खासकर यंग लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो ये सवाल मैं ज़रूर पूछती हूँ आपने नेहरू का नाम सुना हाँ इंदिरा जी इंदिरा गांधी का सुना राजीव गांधी का सुना सुनाहा शास्त्री का सुना हा वीपी सिंह का सुना नहीं नरसिम्हा राव का सुना नहीं आई के गुजराल का सुना नहीं देवगौड़ा का सुना नहीं वाजपेयी का सुना बिल्कुल हाँ मनमोहन सिंह तो बहुत रिसेंट है नरेंद्र मोदी को तो सभी जानते हैं तो आ, चार दशकों के बाद अगर ब, नौजवान कहते हैं लड़कियां खासकर तो इंटरेस्टिंग ये फैक्टर है। और आपको अगर मैं कहूं कि इस किताब के हिसाब से सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री चुनना हो, तो किसे चुनेंगे? लोकप्रिय जैसा मैंने कहा इंदिरा गांधी एक है, बाजपाई हैं। अगर मोदी को छोड़ा जाए तो ने हाँ ने मतलब मोदी जी का तो जिक्र आपने वो ये किताब आपने बहुत ही, बहुत ही मैं कहूँगा मैं अगर अपनी भाषा में कहूँ तो बहुत ही सफाई से आपने मोदी जी पर लिखने से अपने को बचाया है कि मुझे अभी नहीं लिखना है क्योंकि आपने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी जानकारी नहीं है और वो अभी प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यकाल को या उनके काम को आंकना उनको आंकना उनके लोग एक तो नहीं बताएंगे दूसरे अगर बताते भी हैं तो वो एक तरह का अलग तरह का प्रभाव होगा आप उससे बचना चाहती थी आ, इस अच्छी किताब के लिए बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं मैं ये चाहूँगा कि यह पुस्तक बहुत जल्द हिंदी में भी आए ये एक बहुत बड़ी पुस्तक है और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है भारतीय प्रधानमंत्रियों के ऊपर एक तरह की दस्तावेज सरीखी पुस्तक है आ, इस पुस्तक का मूल्य नौ सौ निन्यानवे हार्ड बाउंड का पर में आले है। बुक ने इसको प्रकाशित किया है अमेजोन पे सात सौ रुपए के आसपास मिल रही है अगर आपको मिल जाए तो आप खरीद लीजिए <laughs> हाँ और अब अगला प्रोजेक्ट क्या है आपका अभी थोड़ा वो तो दीजिए समय तो दीजिए <laughs> तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए समय निकालने के लिए और हमारी कामना है कि अगली किताब आपकी जल्दी आए थैंक यू नमस्कार